साथियों, 5 साल पहले तक ये हम समझे ये माफियावादी केंद्र की योजनाओं का लाभ यूपी के गरीब दलित पिछड़े तक नहीं पहुंचने देते थे। केंद्र की योजनाओं में उनकी मनमानी नहीं चलती थी, भ्रष्टाचार नहीं चलता था, इसलिए ये उन योजनाओं में ब्रेक लगाकर बैठते थे, कट की कंपनी बंद हो जाती थी। यूपी के लोगों की सेवा की भावना से काम कर रही योगी जी की सरकार ने पहले के सारे गलत तरीके बदल दिए, इसलिए आपको इस बार भी बहुत सावधान रह करके ही मतदान के लिए जाना है। आप याद कीजिए, अगर इन्हें मौका मिल गया, किसानों को मिल रही हजारों करोड़ की मदद ये परिवारवादी नकली समाजवादी बंद करा देंगे। किसानों के बैंक अकाउंट में जो एमएसपी का पैसा जा रहा है, ये परिवारवादी समाजवादी नकली समाजवादी उसे भी रोक देंगे। आपको इस कोरोना काल में जो मुफ्त राशन मिल रहा है, ये सिर्फ अपना परिवार का पेट भरने वाले लोग नकली समाजवादी आपको भूखा छोड़ेंगे, ऐसे लोग हैं। गरीबों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की जो सुविधा हमारी सरकार ने दी, ये परिवार के सुख के लिए जीने वाले लोग उसको भी बंद करा देंगे। गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, ये परिवार के बच्चों का भला देखने वाले आपकी ओर देखेंगे भी नहीं, और पता नहीं स्कॉलरशिप कहां इधर उधर चली जाएगी। गरीब के कल्याण की सभी योजनाओं पर ये चीनी मिलों की तरह ताला ही लगाने वाले हैं, और कुछ वो कर ही नहीं सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, ये मध्यम वर्ग की जेब पर डाका डालकर रियल एस्टेट माफिया को दे देंगे। नोएडा, गाजियाबाद के लोगों से बेहतर इन्हें कौन जानेगा। राशन माफिया से लेकर कमीशन माफिया तक, ठेका माफिया से लेकर खनन माफिया तक, नकली कहने के समाजवादी और पूरी तरह परिवारवादी फिर पुराने अवतार में आने के लिए तैयार बैठे।